कितने आदिवासी, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग और किसका कितना धन है। जाति जनगणना मतलब पिछड़े लोगों की आबादी पता लगाई जाएगी और फिर पता लगाया जाएगा कि हिंदुस्तान के धन में इनके पास कितना है। आदिवासियों की लिस्ट निकाली जाएगी, पता लगाया जाएगा कि भैया हिंदुस्तान का धन इनके हाथों में कितना है। फिर जनरल कास्ट की लिस्ट निकाली जाएगी और उसमें कहा जाएगा भैया ये जनरल कास्ट के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं और ये जो हैं गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैडम आपको कभी चोट लगी है? आप अस्पताल गए, जब आपको चोट लगी पहला काम डॉक्टर ने कहा एक्सरे कराओ, कहा था ना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इसमें सबको पता लग जाएगा कि भैया अडानी के पास कितना पैसा, आपका नाम क्या है, अदानी के पास कितना पैसा और मनदीप सिंह के पास कितना पैसा पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है अमीर और गरीब। अच्छा भैया अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कैसे बन गए? आप पहले हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, तो ये जो पिछड़ों की मदद का काम है, दलितों की मदद का काम है, आदिवासियों की मदद का काम है, तो ये करवा क्यों नहीं रहा है। मैंने सोचा मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करवा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो जात थी वो ओबीसी थी नहीं, वो ओबीसी पैदा ही नहीं हुए। वो ओबीसी कब बने? जब गुजरात में बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल किया। मोदी जी की जाति क्या है? घांची, बोट घांची गुजरात में, ये ओबीसी जात नहीं थी। इसको 2000 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी बनाया। इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी है ही नहीं, फर्जी है, वो है ही नहीं। वो एक्चुअली कहते हैं ओबीसी, उनको बैठाया गया है भाई और बहनों, उनको बैठाया गया है, वो ओबीसी नहीं है। और वो ओबीसी का पिछड़ों का गरीबों का काम कभी नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। और मैं आपको कह रहा हूं, मैंने मन बना लिया है हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाति जनगणना, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो मैंने कहा था मेरा भाई जिंदाबाद।